बारा में ओम चाबो बीरो फीड इंडस्ट्रीज के बेरही गिरला से 7 मजदूर घायल। बारा जिला के 3 स्थानीय तह से समय में गांव सभा नगर सभा न कैला से विकास निर्माण कार्य अन्योल में। बलात्कार के आरोप में वार्ड अध्यक्ष गिरफ्तार। और राम के जन्म स्थान बारे ओली से दिहला अभिव्यक्ति। प्रति जनकपुर के साधु लोग आक्रोशित। बीरगंज में पहुड़े के क्रम में एक बालक बेपता। अब भारी वर्षा के संभावना, सावधान रहला आग्रह। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। बारा के परवानीपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 चैनपुर स्थित मकई के दाना बनाए वाला कारखाना में संचालक की लापरवाही से काल दुर्घटना भैया पर 7 जने घायल भैल बानी। ओम चावो बीरो फीड इंडस्ट्रीज से क्षमता से ज्यादा बेरही में मकई रखला के कारण दुर्घटना भैल प्रहरी से जनावल बाटे। उक्त दुर्घटना में पर के 7 जने घायल भैल इलाका प्रहरी कार्यालय परसौनी के प्रहरी निरीक्षक ओम प्रकाश यादव बतैले बानी। वहाँ के घायल सभी के कारखाना में कार्यरत कामदार रहल जनैनी। घायल सबके बिरगंज गंडक स्थित नारायणी वयोधा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा बाटे। घायल सब विकास कुमार, आजाद हुसैन, जवाद हुसैन, शैलेन्द्र सिंह, श्री राम राउत, मोहन पटेल, श्रीलाल पटेल के इलाज हो रहा हॉस्पिटल के इमामुल हक अंसारी बताइले बानी। बारा जिला के 16 गो स्थानीय तह सब मध्य 13 गो गांव पालिका आ नगर पालिका से समय में ही गांव सभा आ नगर सभा संपन्न कैला पर भी जिला के अभी जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका कोलभी नगर पालिका आ बाराघड़ी गांव पालिका से समय में गांव सभा आ नगर सभा न कैला से भौतिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य आ स्थानीय तह सब में करे वाला विकास निर्माण के कार्य अन्योल में पड़ल बाटे। नेपाल के संविधान 2072 के अनुसार संघीय सरकार से जेठ 15 गते, प्रदेश सरकार से आषाढ़ 1 गते आ स्थानीय तह सब आषाढ़ 10 गते भीतर अपन गांव पालिका आ नगर पालिका में आर्थिक वर्ष 2077-78 के नीति तथा वार्षिक बजट प्रस्तुत करे के परेला। जिला के तीनों स्थानीय तह सब 1 गांव पालिका आ 2 गो नगर पालिका में समय में नगर सभा आ गांव सभा न भैला से स्थानीय सबके विकास निर्माण पूर्वाधार के काम सब प्रभावित भैल स्थानीय सब बतैले बानी। चितवन में थप 8 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। भरतपुर अस्पताल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला में काल कैल गेल 308 नमूना परीक्षण मध्य 19 गो नमूना कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। पीसीआर परीक्षण से पॉजिटिव नतीजा आयल 19 नमूना मध्य 8 गो चितवन के माड़ी नगर पालिका भीतर के 8 जने पुरुष रहल बाटे। इस संगे चितवन में कोरोना संक्रमित के संख्या 108 पगल बाटे। देश भर कोरोना संक्रमित के संख्या घटे के क्रम रहला पर भी चितवन नवलपरासी में कोरोना संक्रमित बढ़े के क्रम जारी रहल बा। लड़की बलात्कार के आरोप में कालीकोट के 1 वार्ड अध्यक्ष पकड़ाव पड़ल बानी। सुर्खेत खाड़ा चक्र नगर पालिका 6 के वार्ड अध्यक्ष जगदीश शाही 16 वर्षीय लड़की बलात्कार के आरोप में पकड़ाव पड़ल बानी। अपने गांव के बहिन परे वाला नाता में 16 वर्षीय लड़की के 3 वर्ष से पहला फुसला के बलात्कार करत आयल जूरी पड़ल बाद शाही के पकड़ाव कल गए। DSP श्याम बाबू ओलिया जानकारी दिले बानी। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से तृतयुगकालीन भगवान राम के जन्मस्थल बारे दिहल अभिव्यक्ति प्रति जनकपुर के साधु संत सब आक्रोशित बनल बानी। आज राम नंदीय श्री वैष्णव संघ से एक विज्ञप्ति मार्फत प्रधानमंत्री ओली के अभिव्यक्ति से विश्व भर हिंदू धर्मावलंबी सबके आस्था में ठेस पुगल उल्लेख रहल बाटे। संघ के महासचिव नवल किशोर शरण द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ तथा हिंदू धर्मावलंबी के अनुसार भगवान राम के जन्मस्थल भारत उत्तर प्रदेश के पवित्र सरयू नदी के किनारे में अवस्थित अयोध्या तथा जगत जननी सीता के जन्मस्थल नेपाल के जनकपुर रहल कहल गेल बाटे। संघ नेपाल भारत के सदियों से देखल गेल संबंध में खलल पुगल रामायण रचयिता भानुभक्त आचार्य के अपमान भइला पर भी ठहर कैले बाटे। संघ से नेपाल भारत के सदियों से बनल संबंध में खलल पुगल रामायण रचयिता भानुभक्ताचार्य के अपमान भइल भी ठहर कैले बाटे। प्रधानमंत्री ओली उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिरता लेके हिंदू धर्म के सम्मान करेला संघ से मांग कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली से उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिरता लेके हिंदू धर्म के सम्मान करेला संघ से मांग कैले बाटे। अभिव्यक्ति फिरता न लेला पर आंदोलन में उतरे के चेतावनी संघ देले बा।
बीरगंज के नदी में पौड़े के क्रम में एक बालक काल बेपता भइल बाटे। तिलावे नदी में पौड़ी खेले गईले बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 से बिंदवासिनी टोल के 12 वर्षीय बालक दहार में दहिला से बेपता भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। स्थानीय मुकेश शाह कलवार के 12 वर्षीय बेटा सुमित कलवार नदी में आयल दहार से बगैला पर बेपता भइल परसा के प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजित कुंवर जानकारी दिले बानी। बेपता भइल बालक के खोजी कार्य जारी रहल कुंवर बतैनी। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना के टोली बेपता बालक के खोजी के खातिर खटल बाटे। चार दिन से पड़ल वर्षा के कारण सप्तरी में डुबान में पड़के कमजोर बनल घर सब गिरल बाटे। वर्षा से सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका महादेवा आतिलाठी कोइलाडी गांव पालिका में घर सब गिर के क्षति भइल सप्तरी प्रहरी जनल बाटे। खड़खोला नदी में घर भइल महादेव गांव पालिका के 3 जने के घर खड़खोला से गिरावल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी निरीक्षक संतोष खड़का बतैनी। महादेवा के स्थित खड़खोला के किनार में घर भइल भुवन राम रामचंद्र राम आ पवन राम के घर गिरल बाटे। घर गिरला बाद भुवन के 10 जने के परिवार, रामचंद्र के 7 जने के परिवार आ पवन के 5 जने परिवार विस्थापित भइल बाटे। यही संगे डाकनेश्वरी नगर पालिका में भी एक घर गिरल बाटे। ऐसही तिलाठी कोइलाडी गाँव पालिका 1 भिले स्थित खड़खोला के पानी से रामानंद राय के मोटरसाइकिल गैरेज में पानी घुसला से मशीनरी सामान मोटर पार्ट्स करके 50,000 मूल्य बराबर के क्षति भइल बाटे। नेपाल पत्रकार महासंघ से केंद्रीय समिति मातहत रहल जाए वाला पत्रकार आपातकालीन राहत कोष से स्थापना करके निर्णय कैले बाटे। पत्रकार के दैनिक जीवन यापन में समस्या के कारण पेशा से ही पलायन होके के बाध्यात्मक अवस्था आवे के न देवेला महासंघ से आपातकालीन राहत कोष से स्थापना करे के पहलकदमी लिहल बाटे। महासंघ केंद्रीय समिति से 30 लाख रुपया जमा करके शुरुआत कैल कोष में नेपाल पत्रकार महासंघ के बेलायत यूरोप जापान यूएई कोरिया कुवैत भारत कतार शाखा तथा नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजा आ नेपालिज्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया से 1 महीना भीतर रकम उपलब्ध करावे की प्रतिबद्धता व्यक्त कैले महासंघ के महासचिव रमेश बिष्ट जानकारी देनी। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आज देश के विभिन्न स्थान में हल्का से भारी वर्षा के संभावना रहल जनले बाटे। मानसून सक्रिय रहला से नदी तटीय क्षेत्र में डुबान हो सके के अव्यवस्थित बसोबास भइल तराई क्षेत्र में डुबान होके के तथा पहाड़ी विभाग में दाहर जा सके के विभाग जनले बाटे। अभी देश भर आंशिक बदली बाटे त गंडकी प्रदेश 1-2-5 कर्णाली आ सुदूर पश्चिम के कमे जगह में वर्षा हो रहा बा। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 MHz द्वारा मापन कल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसी आज सवेरे 31 दोपहर 36 डिग्री सेल्सियस रहल रहे आज रात में 29 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गए बा। ऐसे आज सवेरे 5:21 में बेर उगल रहे सजिया 7:02 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। 12 के ओम चाबो बीरो फीड इंडस्ट्रीज के बेरही गिरला से 7 मजदूर घायल। 12 जिला के 3 स्थानीय तो से समय में गांव सभा नगर सभा न कैला से विकास निर्माण कार्य अन्योल में। बलात्कार के आरोप में 12 गिरफ्तार। राम के जन्म स्थल के बारे में ओली से दिया अभिव्यक्ति प्रति जनकपुर के साधु लोग आक्रोशित। बीरगंज में पहुड़े के क्रम में एक बालक बेपत्ता आ भारी वर्षा के संभावना सावधान रहला आग्रह। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 MHz तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।